खबर छतरपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा 28 अगस्त को लगातार प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन अभी भी बदस्तूर जारी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष राम नारायण तिवारी ने बताया कि सरकार से लगातार हमारी एक ही मांग है कि शासन के द्वारा 2800 रुपये वेतन मान दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मकान भत्ता 258 रुपये दिया जाता है लेकिन 258 रुपये में कमरा नहीं मिलता। आगे उन्होंने कहा कि स्टेशनरी के लिए 300 रुपये दिए जाते हैं जिसमें एक महीने स्टेशनरी कैसे चलेगी। वहीं पेट्रोल के 300 रुपये सरकार दे रही है जो बहुत कम है। प्रदर्शन के लिए हमने परमिशन मांगी थी लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते परमिशन वापस ले ली गई। पटवारी संघ 10 दिन से नहीं, पटवारी संघ लगातार अपनी समस्याओं को लेकर 25 वर्षों से जूझ रहा है और सरकार का ये दोहरा रवैया सभी कर्मचारियों को खुश किया सरकार ने, लेकिन 25 साल से पटवारी संवर्ग की एक नहीं सुनी। पटवारी संवर्ग आज भी 2100 ग्रेड पे जैसे न्यूनतम वेतन मान में कार्य कर रहा है। पटवारी संघ की क्या मंशा है, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर लगातार 10 दिन से हड़ताल पर है? मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे क्रांति आह्वान पर हम सभी 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल पे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे 2800 ग्रेड पे समयमान और वेतन विसंगति सहित काफ़ी सारी मांगे हैं।